डुक 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 डुक। ओके, जब भी 200 सीसी सेगमेंट में हम किसी गाड़ी का जो चयन करते हैं या फिर दिमाग में आता है, तो सबसे पहले कह लो या फिर कहीं ना कहीं बजाज की जो दो गाड़ियां हैं उनका नाम सबसे पहले हमें हमारी ज़ुबान पे आता है। और उसमें एक ये 200 सीसी का मशीन मेरे साथ खड़ा है और इसी के साथ इसी का भाई आता है RS 200। ये है NS 200। तो अगर आप भी इस NS 200 की, RS 200 का पहले मैं वीडियो डाल चुका हूँ, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और साथ ही अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए उस गाड़ी के लिए, उसका रेट क्या है, ऑन रोड कितने जाएगी, तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस गाड़ी के बारे में अगर आपको इंक्वायरी करना है, अगर आप पुणे सिटी में रहते हो, ये शोरूम की डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ पर आपकी जो है इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। खैर, वो एंड वाला पार्ट है, अभी बात कर लेते हैं इस 200 सीसी के मशीन की। आपको इसमें क्या नया देखने को मिलता है अगर आप इसकी प्लानिंग कर रहे हो, तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो हमेशा की तरह सब कुछ जानने के लिए बने रहे मेरे साथ, मैं हूँ चेतन पाटिल और आप देख रहे आस्क ऑटो गुरु। तो सबसे पहले जब इस गाड़ी को हम देखते हैं तो नज़र जाती है हमारी यहाँ फ्रंट में, और फ्रंट का लुक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे पर्सनली लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ जो कलर कॉम्बिनेशन है काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है और जो हेडलैम्प है इसका वो बिल्कुल अच्छी पोजीशन पे माउंटेड है। यहाँ फ्रंट में मैं बताऊँ आपको, तो जो हेडलैम्प है वो नो डाउट आपको हैलोजन मिल रहा है, LED की कहीं ना कहीं गुंजाइश थी। साथ ही जो टर्न इंडिकेटर्स आप देख रहे हो ये आपको बल्ब में मिल रहे हैं। अब थोड़ा सा अगर इस साइड में नीचे आते हो आप, तो यहाँ पे आपको जो सस्पेंशंस मिल रहे हैं ये टेलीस्कोपिक विथ एंटी फ्रिक्शन बुश के सस्पेंशन है दोनों साइड में। नो डाउट परफॉर्मेंस इनका भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसको मैंने इससे पहले चलाया भी है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और जो आपको ये इस साइड में डिस्क मिल रही है, डिस्क का भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा बाइटी ये डिस्क होती है, 300 mm की डिस्क मिल रही है। सिंगल चैनल ABS आपको इस गाड़ी में मिल जाता है, और ये जो डिस्क है ये पूरी तरह से पेटल डिस्क है, काफ़ी अच्छा है। ये आपको ABS का रिंग मिल रहा है और ये रिफ्लेक्टर यहाँ पर मिल जाता है। अब जब टायर की बात कर ले तो इनका जो परफॉर्मेंस है हाईवे पर काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि जब भी आप हाईवे पर चलाते हो, कॉर्नरिंग करते हो, तो अगला और पिछला दोनों टायर्स आपको काफ़ी अच्छे से गाड़ी सस्टेन कर लेते हैं। फ्रंट में आपको रेडियल और रियर में भी रेडियल टायर मिल रहा है, लेकिन फ्रंट की जो साइज़ है 100x80 सेक्शन के 17 inches के जो टायर है वो आगे आपको मिल रहे हैं, और ये MRF की ओर से आते हैं। साथ ही इसमें जो ये व्हाइट कलर आप देख रहे हो अलाई का, ये काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव नज़र आता है। और वही जो इसमें ये रेड वाली पट्टी आप देख रहे हो, जो स्टिकरिंग है वो भी काफ़ी अच्छे से यहाँ माउंट किया गया है। जब भी यहाँ सामने नज़र आती है आपके, तो यहाँ पे बजाज का लोगो आपको मिल जाता है, और ये LED के आपको जो लाइट्स है वो दो मिल रहे हैं। इसी के साथ यहाँ ऊपर कार्बन फिनिशिंग आपको मिलती है, जो काफ़ी अच्छी और अट्रैक्टिव नज़र आती है। और ये छोटा सा विंड है, वैसे ज़्यादा काम का नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी खासी आपको जो है लुक में फ़र्क यहाँ पे नज़र आता है। नीचे यहाँ नंबर प्लेट लगा सकते हो, और इसी के साथ जो मडगार्ड है इसका काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। ये बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे हम इसके, लेकिन यहाँ अभी फ़िलहाल जो आप देख रहे हो ये कार्बन फिनिशिंग के साथ आता है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, और पीछे प्लेन ब्लैक कलर का ही आता है, और उसी के साथ नीचे थोड़ा अलग सा प्लास्टिक लगाया गया है जो कि अच्छी क्वालिटी का है। और ये फाइबर के ब्रेक्स आपको यहाँ मिल रहे हैं। अब इसी के साथ इसके साइड के जो व्यू है, अगर वो मैं दिखाऊँ आपको, तो ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आती है, जो कि बेहतरीन है। इस गाड़ी की खासियत है कि ये स्टिकरिंग और लुकिंग के मामले में ही आपको काफ़ी अच्छा जो है अट्रैक्टिवनेस नज़र आता है। इसकी जो ओवरऑल फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात कर ली जाए, यहाँ आप देख सकते हो, और ये है 12 लीटर का फ्यूल टैंक, यहाँ से आप इसे खोल सकते हो। और इसी पे यहाँ जो मैट रेड कलर है काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ ये भी लगाया गया है। ऊपर नो डाउट आपको यहाँ थोड़ा प्लास्टिक का मटेरियल लगाया गया है, लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है ये, क्योंकि हार्ड क्वालिटी यहाँ नज़र आती है। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग होता है जब आप यहाँ पे इसे नॉक नॉक करते हो, आप आवाज़ शायद सुन पा रहे होगे, तो वो वाली चीज़ है, लेकिन फिर भी ये चीज़ भी अच्छी है, क्योंकि ये अंदर है, आपके पैर जो होते हैं वो यहाँ पर इस तरह से लग जाते हैं, जिसकी वजह से राइडिंग इसकी काफ़ी अच्छी और कंफर्टेबल हो जाती है। साथ यहाँ जो 3D लोगो लगाया गया है पल्सर का, अभी फ़िलहाल यहाँ पे कुछ पट्टी लगाई गई है, वो रहती है ऑलमोस्ट, जब सेल हो जाएगी तो निकल जाता है, तो वो चीज़ है। और वहीं नीचे कार्बन फिनिशिंग ब्लैक कलर में आपको मिल रही है, यहाँ भी नट बोल्ट्स का काम काफ़ी अच्छा किया गया है, और ये आपको मेश मिल रही है। साथ ही इसके नीचे जो आप देखोगे ये वाइट वाला पोर्शन, तो ये भी अच्छी अट्रैक्शन जो है गाड़ी को प्रोवाइड करता है। इसी के साथ यहाँ नीचे आओगे आप, तो इस साइड में आपको ये लेग गार्ड मिलता है, जो थोड़ा छोटा है, आई थिंक थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अब ये छोटा देने का रीज़न ये है क्योंकि ये कॉर्नरिंग करते वक्त नीचे ना लगे, और इस तरह की गाड़ियों में अक्सर ये होता ही है ऐसा। इस साइड में भी आप देखोगे
तो कुछ उसी तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे ये गाड़ी के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा होता है और बजाज के जो लेग गार्ड्स होते हैं काफ़ी हार्ड क्वालिटी के आपको नज़र आते हैं। इसी के साथ जब इंजन की बात कर ली जाए तो यहाँ आपको ये मिल रहा है इंजन, ये लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी के साथ आता है। 199.5 सीसी यानी कि 199.5 सीसी फोर स्ट्रोक SOHC फोर वॉल लिक्विड कूल इंजन यहाँ पे मिल रहा है। इसमें ट्रिपल जो स्पार्क होता है वो लगाया गया है, BS6 कंप्लाइंट इंजन है ये, और वहाँ पे आपको जो DTSI टेक्नोलॉजी यहाँ लिखा हुआ है बजाज की वो मिल रही है। काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी होती है, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है मैंने, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक मिल जाएगी, इस वीडियो के बाद उसे देख लेना। अब इस गाड़ी में आपको सिर्फ सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है, जो आपका किक स्टार्ट होता है वो नहीं मिल पा रहा है। वैसे भी जो फ्यूल इंजेक्शन आने के बाद जो किक स्टार्ट है उसका ज़्यादा यूज़ नहीं रहा है अभी, क्योंकि जो सेल्फ है उससे अच्छे अच्छी गाड़ी जो है जल्दी से स्टार्ट हो जाती है। इस गाड़ी की जो मैक्सिमम पावर है आपको 24.5 PS एट द रेट 9750 RPM पर मिल रही है, और वही मैक्सिमम टॉर्क 18.5 NM का मिल रहा है एट द रेट 8000 RPM पर। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि जैसे मैंने कहा इस गाड़ी में पावर टू वेट रेशो काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है, क्योंकि इसका जो कर्व वेट है वो 156 kg है। और साथ ही इस गाड़ी को अगर आप पूरा इस साइड से देखोगे तो ग्राउंड क्लियरेंस जैसे इस गाड़ी में आपको 168 mm मिल रहा है। तो ये जो ग्राउंड क्लियरेंस है इसमें नो डाउट थोड़ा और बड़ा हो सकता था ही, अब ये ड्यूल स्टैंड पर लगी है इसलिए ज़्यादा ऊपर लग रहा है। अगर ज़्यादा एक्सट्रीम ख़राब रास्ते हैं तो ही आपको नीचे से कुछ ना कुछ हैंड हीट होने का चांस रहेगा, अदरवाइज़ ये ग्राउंड क्लियरेंस आपको अच्छे से सस्टेन कर लेगा, क्योंकि 168 mm कम नहीं है, काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस गाड़ी में मिल रहा है। वही अगर आप इस साइड से देखोगे तो ये पूरी गाड़ी यहाँ से दिखती है, और इसका जो व्हील बेस आपको मिल रहा है 1363 जो कहते हैं उतने mm का मिल रहा है। तो बॉडी टू वेट रेशो और पावर टू वेट रेशो, साथ ही साथ इसका टर्निंग रेडियस सिटी राइडिंग के लिए बेहतरीन साबित होता है अकॉर्डिंग टू 1363 जो आपका व्हील बेस मिल रहा है उस लिहाज से। अब अगर बात कर ली जाए सीटिंग पोजीशन की तो यहाँ पे आप देख पाओगे काफ़ी अच्छे से ग्रिप मिल रही है। ये पूरा एरिया यहाँ थोड़ा सा प्लेन है और यहाँ पर भी है। अब पिलियन के लिए भी यहाँ थोड़ा सा कुछ कर्व देने का ट्राई किया गया है, जो कि पैंट की आपकी जो बैठते हो आप उसकी ग्रिप यहाँ अच्छे से बैठ पाए। पोजीशन अगर देखें तो ये कुछ इस तरह से, वैसे अगर मैं बताऊँ आपको तो इसकी जो सीट हाइट है वो आपको लगभग 800 mm के आसपास मिल जाती है। स्पेक सीट में देखा नहीं मैंने, कुछ उतने ही हैं। तो अगर आपकी हाइट 5.5 फीट है या फिर उसके थोड़ा सा ऊपर है तो आप इस गाड़ी को आराम से चला सकते हो, इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। और वही अगर सीटिंग पोजीशन देखें आप तो यहाँ पे जो है आपका राइडर बैठेगा, यानी आप खुद बैठोगे और आपके लिए मतलब ये प्रोटेक्टर दिया गया है। इसी के साथ सीटिंग पोजीशन देखो आप यहाँ से, क्योंकि यहाँ राइडर बैठता है और फिर उसके पैर यहाँ यानी कि घुटने यहाँ तक आते हैं और वही उसका पैर यहाँ पे आता है, यानी कि पूरा ट्राइंगल बन जाता है, और बंदे का हाथ या फिर बंदी है जो भी चला रहा है उसका यहाँ पे आता है, तो एक पूरा तरह सा ट्राइंगल जो है वो बन जाता है आपका। और साथ ही यहाँ पे जो ग्रिपिंग है काफ़ी अच्छी है, ये प्लास्टिक भी मतलब थोड़ा हार्ड क्वालिटी का रबर है जो पकड़ने में इजी होता है। तो क्या होता है हाथ में अगर पसीना वगैरह आ रहा है आपका तो वो यहाँ पे जो ग्रिप है वो अच्छे से पकड़ के लेता है विदाउट ग्लोव्स भी। साइड मिरर्स भी इसके बेहतरीन आपको मिल रहे हैं। तो सीटिंग पोजीशन राइडर के लिए थोड़ी एग्रेसिव है, आपको अगर सिटी में ज़्यादा ट्रैफिक में आप फंस चुके हो तो थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, लेकिन ये कभी कभी होता है कि अगर आधे घंटे की पौने घंटे की ट्रैफिक है तो आप आराम से इसे निकाल करके लेके जा सकते हो, क्योंकि सिटी राइडिंग में ये जिगजैग करके इधर उधर से चली जाती है। वही अब पिलियन की मैं बात करूँ तो पिलियन राइडर यहाँ आपका बैठता है। अब एक चीज़ है कि इसकी हाइट थोड़ी सी ऊपर है और सीट जितनी चाहिए उतनी सीधी इस तरह से नहीं है, वैसे काफ़ी अच्छी सीटिंग पोजीशन आपको मिल रही है अगर डबल साइड कोई बैठ रहा है, यानी कि दोनों साइड पैर करके कोई बैठ रहा है, एक उस साइड में एक इस साइड में, तो नो डाउट ये सीटिंग पोजीशन काफ़ी अच्छी आपको यहाँ मिलने वाली है। अब अगर कोई सिंगल साइड बैठ रहा है पैर करके तो ये तो है आपका साड़ी गार्ड, यहाँ से कोई बंदा है आप फिर बंदी है घर में एजेड लोग होते हैं तो वो लोग बैठते हैं, फिर वहाँ से पैर करके यहाँ पे इस साइड में बैठ करके यहाँ पे पैर आएंगे आपके नीचे जो भी वन साइड बैठ रहा है, उसके लिए प्रोविज़न यहाँ एक जो ये है पैर रखने का दिया गया है, यहाँ शायद से कुछ और हो सकता था वो चीज़ है, तो उनके लिए भी ये सिटिंग पोजीशन मैं कहूँगा इतनी अच्छी साबित नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो ग्रैब रील्स है वो स्प्लिट है और पकड़ने के लिए ईजी है, तो वो एक चीज़ है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इस गाड़ी में सब कुछ सोच समझ करके बनाया गया है जो कि मुझे लगता है। अब आइए रियर लुक की ओर बढ़ लेते हैं, तो यहाँ रियर में जो प्लास्टिक आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे और इसी के साथ इस मतलब ये पूरा पोर्शन,
ये भी अच्छी क्वालिटी का लगाया है और ये स्टिकरिंग इसे और भी अच्छे से जो है उभर कर नज़र आ रही है। ये LED नहीं है, बल्ब इंडिकेटर्स आपको मिल रहे हैं दोनों साइड में, लेकिन जो रियर लाइट है आपका ये आपको LED मिल रहा है और साथ ही यहाँ रिफ्लेक्टर भी दिया है, इसके नीचे लाइट है। तो ये आपका जो लाइट है ये नीचे नंबर प्लेट पे चमकता रहेगा, नाइट में भी नंबर प्लेट अच्छे से दिखा देगा। ये आपका रियर फेंडर है, तो कीचड़ के जो बारिश होती है वो कीचड़ आपके ऊपर नहीं आता है, इसमें अटक जाता है, जो अच्छी चीज़ है। और अगेन ये भाई आपको मेटल का मिल रहा है, सॉरी प्लास्टिक का ही है लेकिन हार्ड क्वालिटी का है, और यहाँ पर भी ये हार्ड क्वालिटी का है। काफ़ी अच्छी फिनिशिंग पर्सनली मुझे यहाँ देखने को मिल रही है। वही रियर के अगर सस्पेंशन की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको नाइट्रॉक्स के मोनोशॉक सस्पेंशन मिल रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हो आप, काफ़ी ब्रॉड टायर आपको देखने को मिलता है जो हाईवे पर काफ़ी अच्छी ग्रिप बना करके चलता है। इससे पहले भी इस गाड़ी को मैं चला चुका हूँ तो इसका परफॉर्मेंस मेरे को अच्छी तरह से पता है। अब यहाँ आप रियर में जो टायर आपको मिल रहा है ये रेडियल टायर है, ट्यूबलेस टायर है, 130/70 सेक्शन का 17 इंचेस का टायर आपको यहाँ मिल रहा है। सिंगल चैनल ABS जैसे मैंने कहा इस गाड़ी में आपको मिल रहा है। और यहाँ पे जो रियर डिस्क है ये पेट्रोल डिस्क है अगेन, और 230mm का साइज़ इसमें आपको मिल रहा है। अब अगर इस ओवरऑल गाड़ी की बात करें तो जी हाँ, मेरे को पर्सनली ये गाड़ी काफ़ी अच्छी लगी है। किन लोगों के लिए बनी है, तो जो लोग ज़्यादा लंबी राइड करते हैं, जो फंकी राइडर है, जिन्हें स्टंट्स वगैरह वो वाली चीज़ें पसंद होती है, तो डेफिनेटली वो लोग इसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों को स्पीड पसंद है, क्योंकि भाई इस गाड़ी में आपको जो पावर मिल रही है 24.5 PS की मैक्सिमम पावर मिल रही है 9750 RPM पर, तो बेहतरीन मशीन ये साबित होता है उस लिहाज से अगर देखें तो। वही कहीं ना कहीं ये प्राइस भी इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है सेगमेंट में आने वाली बाकी गाड़ियों के मुकाबले। तो यहाँ पे एक शोरूम की प्राइस बताऊँ मैं आपको तो 1,31,000 से स्टार्टिंग है, ऑन रोड प्राइस कुछ और ही होती है। तो ऐसा है कि ये जो प्राइस होती है फ्लक्चुएट होती रहती है, मुंबई दिल्ली पुणे चेन्नई कोलकाता हैदराबाद हर जगह अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से आप आपके नज़दीकी शोरूम पर जाकर, या फिर अगर आप पुणे में रहते हो तो इस शोरूम की जो डिटेल्स है वो मैंने नीचे दे रखी है, यहाँ पे कांटेक्ट करके आप इस गाड़ी के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। और अगर ख़रीदना है तो आस्क ऑटो गुरु या फिर चेतन पाटिल नाम लेकर के आप यहाँ आ सकते हो, आपके साथ बेहतरीन ट्रीट किया जाएगा। तो इसके बारे में कई सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, लगभग पूरी जानकारी आपको दे दी है। अब अगर आपके पास भी ये गाड़ी है और आप चाहते हो आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो इस वीडियो के नीचे, या फिर इंस्टाग्राम की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हो। चाहे आपके पास NS200 हो या फिर कोई भी गाड़ी क्यों ना हो, आप आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस ओनरशिप रिव्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि हर मंडे मैं लेकर आता हूँ आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ उस एपिसोड को। तो वहाँ होता यह है कि आप ही के द्वारा शेयर किया गया एक्सपीरियंस या फिर रियल लाइफ रिव्यू मैं बाकी पब्लिक के साथ शेयर करता हूँ। होता यह है कि उस पर्टिकुलर गाड़ी को अगर कोई और बंदा खरीदने के लिए जा रहा है तो मार्केट में उसकी भी हेल्प हो जाती है। कोशिश तो यही है कि किसी गलत जगह किसी गलत बंदे का पैसा ना लग जाए, बस वही। और अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब, इनफैक्ट सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाए, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी भी मुझे इंस्टा ट्विटर फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ जाकर जो फॉलो करके आपकी दुविधाएँ पूछ सकते हो। इस गाड़ी का एग्जॉस्ट भी मैं आपको सुना देता हूँ, दो कीज़ हैं मेरे पास और दोनों पे पल्सर का नाम लिखा हुआ है। अब यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको मिल रहा है वो कुछ इस तरह से मिल रहा है, यहाँ आपको बजाज का लोगो मिल जाता है, इस साइड में इंजन मालफंक्शन लाइट मिल जाता है, फ्यूल इंडिकेटर है, बैटरी इंडिकेटर है, और साथ ही सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको इसमें मिल रहा है। ये स्पीडोमीटर आपको मिलता है, टाइम भी यहाँ दिखाता है, अगेन यहाँ फ्यूल इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाता है, ये शायद रिजर्व होगा। ऊपर न्यूट्रल का जो है गियर पोजिशन इंडिकेटर उसमें यहाँ मिल जाता है, और ये जो आप देख रहे हो ABS का लाइट यहाँ आपको मिलता है। बाकी इन दो बटन से आप जो है स्पीडोमीटर मैनेज कर सकते हो। अब अगर मैं इसका हॉर्न आपको सुनाना चाहूँ तो हॉर्न ओके, काफ़ी अच्छा हॉर्न है इसका, स्ट्रांग हॉर्न है, तो ट्रैफिक में भी आपको कहीं ना कहीं ये सामने वाले को इंडिकेट कर देगा कि मैं आ रहा हूँ या फिर बाजू हट जाओ, जो भी चीज़ें होती है। अब आइए मैं आपको जो है इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाना चाहूँगा, यहाँ से इसे स्टार्ट कर लेते हैं। डुक 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 ओके। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूँ आपसे विदा और फिर से मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।